Dear students, in this topic we shall discuss the mechanism of lung ventilation in reptiles. Dear students, the snakes and lizards and crocodilians have ribs which form a thoracic cage around the lungs, just like mammals. However, in tortoises and turtles, the ribs are fused. ए पार्ट ऑफ दिजिड शेल सो जो दोनों ग्रुप हैं कोकोडिलियन स्नेक्स और इन दोनों में मुख्तलिफ़ है। Reptiles के पास रिप्स तो होती हैं लेकिन दे डू नॉट पोजेस ए डायफ्रेम सो so, जारी तौर के ऊपर दोनों में एबडोमिनल और थ्रेसिक कैविटीज एक दूसरे से अलग नहीं है प्रेशर डिफरेंसिस बिटवीन दीज टू रीजन्स डू एक्जिस्ट दैट इज वाई के देर इज सम इंडिकेशन ऑफ फंक्शनल सेपरेशन ऑफ दीज टू कैविटीज। ये जो डिफरेंस है फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन दू टू कैविटीज, ये मैकेजम ऑफ ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है we shall discuss in detail the breathing mechanism of snakes and crocodiles first we are going to discuss inhalation during inhalation ribs move posteriorly they cause the expansion of thoracic cavity this expansion reduces pressure in lungs as a result air draws in passively into the lungs पासिंग थ्रू दी ओपन एयर एंड ग्लॉटिस मैकेजम काफी हद तक मैमल्स के साथ मिलता जुलता है स्वाय एक बात के कि डायफ्रेम का कोई रोल नहीं है चेस्ट कैविटी को एक्सपेंड करने में प्रिंसिपली चेस्ट कैविटी इज एक्सपेंडेड प्रेशर ऑन द लंग्स इज रिड्यूस्ड एंड एयर इज इनहेल्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एयर इज एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू द इलास्टिक रिक्वायल ऑफ लंग्स एंड कंप्रेशन ऑफ थोरेसिक कैटी ये जो कंप्रेशन ऑफ थोड़े ड्यू टू फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड बॉडी वॉल कंप्रेशन के नतीजे में लंग्स के ऊपर प्रेशर में इजाफा होता है और इसका रिजल्ट यह होता है कि एयर पैसिवली मूव आउट कर जाती है दैट इज एक्सपायरेशन हो जाती है नाउ विशल डिस्कस the breathing mechanism in turtles and tortoises because turtles ki ribs shell ka part hai, is isliye forward backward movement of body wall is not possible the exhalation in these animals takes place by the contraction of abdominal wall muscles which force the viscera वायसाइरल अपवर्ड जो एबडोमिनल कैविटी के आर्गन हैं, इनको थोड़ा सा अपवर्ड पुश किया जाता है, क्या है? कि इसके उस वक्त होती है जब एबडोमिनल वॉल के मसल्स इस तरह से कॉन्टेक्ट करते हैं कि दे पुल द्रिएट ए ने प्रशर ऑन द lungs and air is drawn into the lungs.